स्वागत है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। दोस्तों ओडीआई सीरीज अब शुरू होने वाला है साउथ अफ्रीका में। भारत का साउथ अफ्रीका दौरा में अभी तक T20 सीरीज समाप्त हो चुका है, जिसमें कि भारत और साउथ अफ्रीका दोनों ही एक एक के बराबरी पर रही है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज अब शुरू होने वाला है, जिसमें दीपक चहर नहीं खेलेंगे, फैमिली इमरजेंसी के चलते सीरीज से हट गए हैं। वहीं दो टेस्ट के सीरीज से समी भी बाहर हो गए हैं, उनका भी कुछ फिटनेस का इशू था। दोस्तों पूरी सीरीज पे बात करेंगे, तमाम जानकारी देंगे, बने रहिए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जैसा कि मैंने बताया कि T20 सीरीज समाप्त हो चुका है, जिसमें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका तीन मैच के T20 सीरीज में एक एक के बराबरी पर छूट रही, और एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में चहल और समी टेस्ट से बाहर हो गए हैं, और यही से चहर नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनके घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसी, उनके फादर की तबीयत ठीक नहीं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी वनडे टेस्ट सीरीज से दो भारतीय तेज गेंदबाज बाहर हो चुके हैं, जैसा कि मैंने बताया। वहीं टेस्ट टीम में मोहम्मद शमी भी नजर नहीं आएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की ओर से शनिवार को जारी बयान में बताया गया कि समी ने फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं किया, ऐसे में वह टीम का हिस्सा नहीं होंगे। इसके अलावा 50 ओवर के क्रिकेट में अस्थायी तौर पर भारत की कोचिंग स्टाफ भी बदल गया है। राहुल द्रविड़ वाले कोचिंग स्टाफ की जगह एशिया ए के कोच सितांशु कोटक और उनके सहयोगी स्टाफ की उनकी जिम्मेवारी सौंपी गई है। द्रविड़ और उनके सहयोगी स्टाफ T20 सीरीज के बाद अब टेस्ट दौरे की जिम्मेवारी संभालेंगे और वह थोड़ा आराम करेंगे। टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के दौरे पर तीन T20 सीरीज के बाद अब भारत 17 दिसंबर से तीन वनडे की सीरीज भी शुरुआत करेगी। भारत जहां पे ओडीआई सीरीज अब शुरू होनी है, टीम इंडिया के इस दौरे में दो टेस्ट मैच भी आने वाला है। फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं कर सके हैं समी, जैसा कि मैंने बताया। आखिरी दो वनडे नहीं खेलेंगे अय्यर। वहीं टेस्ट वनडे और टेस्ट टीमों में शामिल बल्लेबाज श्रेयस अय्यर पहले वनडे के बाद टेस्ट टीम के साथ जुड़ जाएंगे, वह आखिरी दो वनडे में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। वनडे के लिए कोचिंग स्टाफ भी बदलाव होगा, जैसा कि मैंने बताया। वनडे की बात करें तो पहला वनडे जोहान्सबर्ग में 17 दिसंबर दोपहर 1:30 से होगा, ये इंडियन टाइमिंग के हिसाब से, और दूसरा कैनबरा में 19 दिसंबर को शाम 4:30 से शुरू होगा। वही तीसरा पार्ल में जो 21 दिसंबर को शाम 4:30 से खेला जाएगा। आप हॉटस्टार पे इसका फ्री में प्रसारण देख पाएंगे मोबाइल पे। वहीं दूसरा पहला अगर टेस्ट की बात करें तो सेंचुरियन में 26:30 को दोपहर 1:30 से शुरू होगा। वहीं दूसरा केप टाउन में खेला जाएगा, जो 3-7 जनवरी तक खेला जाएगा। तो ये तो टेस्ट और वनडे सीरीज का पूरा ब्यौरा है। वहीं द्रविड़ टेस्ट पर करेंगे फोकस, इसीलिए उन्होंने थोड़ा वनडे सीरीज से रेस्ट लिया है अपने पूरी कोचिंग स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ के साथ ही। वनडे टीम की बात करें तो कप्तानी यहां केएल राहुल कर रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ टीम में होंगे, साई सुदर्शन, तिलक वर्मा, रजत पाटीदार, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन विकेट कीपर होंगे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, दीपक चहर, मुकेश कुमार, आवेश खान, अर्शदीप सिंह और आकाशदीप। ये वनडे टीम है जिसमें कि कई नए चेहरे नजर आएंगे, जिसमें कि संजू सैमसन भी काफ़ी दिन बाद वापसी कर रहे हैं, रिंकू सिंह इसमें नजर आएंगे, वनडे का डेब्यू हो सकता है इनका। वहीं बात करें टेस्ट टीम की तो कप्तानी वहीं रोहित शर्मा करेंगे, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली होंगे, श्रेयस अय्यर होंगे, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन विकेट कीपर होंगे यहाँ, केएल राहुल भी टेस्ट में खेलेंगे जो विकेट कीपर के तौर पर ही रहेंगे, रविचंद्रन अश्विन होंगे, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, जसप्रीत बुमराह उप कप्तान होंगे और प्रसिद्ध कृष्णा। तो दोस्तों ये इस प्रकार से वनडे और टेस्ट सीरीज है, जैसा कि मैंने आपको दोनों का ये भी बता दिया कहाँ कहाँ मैच होने हैं, कितने बजे स्टार्ट होगा। आप हॉटस्टार पे जैसे T20 देख सके थे, वैसे ही आप हॉटस्टार पे ये दोनों ही सीरीज देख पाएंगे। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहिए तमाम जानकारी के लिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली तक, और लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिले। मिलते हैं दोस्तों किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार।